नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। जिला हरदोई के ग्राम बलवा में अखवेलपुर तिलमई के खेड़ा के सुखेता प्रांगण में चल रहे 35 वर्ष से श्री विष्णु महायज्ञ एवं मानस सम्मेलन व सनातन धर्म के महाधिवेशन में 3 दिवसीय सेवा में असलापुर धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक अरुण ठाकुर जी महाराज ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अपनी लीला से सभी बाधाओं को दूर कर परमानंद प्रदान करते हैं। परमानंद की प्राप्ति के बाद मानव जन्म मरण चक्र से मृत्यु मुक्त हो जाता है। अनूप महाराज ने कहा कि व्यक्ति को जीवन में उन्नति के लिए आशावादी होना चाहिए। आशा की किरण को पूरा करने के लिए ईश्वरवादी होना जरूरी है। मानवता की राह पर चलकर व्यक्ति जीवन में अपेक्षित सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठाकुर जी ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन चरित्र ही धर्म है। भगवान राम अपने गुरु पिता भाई संत अनुचर सहचर से कैसे व्यवहार करते हैं, धर्म को समझना हो तो उनके आदर्श को अपना लें तो धर्म का पालन हो जाएगा, क्योंकि धर्म के सारे लक्षण भगवान के चरित्र में समाहित हैं। उन्होंने कहा कि राम कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान जीवन धन्य हो जाता है तथा मनुष्य जीवन के सारे दुख का नाश हो जाता है, उसे हर स्थिति में एक समान रहने की सीख मिलती है। उन्होंने कहा कि राम नाम तो कड़कड़ में व्याप्त है, मात्र कुछ ही वक्त निकाल कर अगर कोई राम कथा सुन ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। आज हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव है, ऐसे में राम कथा उन्हें सच्चाई का एहसास करवाती है। बिना सत्संग के मानव का जीवन अधूरा होता है। जीवन के सारे कष्टों का निवारण सिर्फ राम कथा से ही संभव है। इस मौके पर परीक्षित शिव कुमार सिंह, यज्ञ यजमान सुधीर सिंह, मास्टर दरुणगंज सिंह, राकेश सिंह, भानु प्रताप सिंह, सत्येंद्र सिंह, राहुल सिंह, धनपति सिंह, श्याम मोहन सिंह समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।